सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा सदर अस्पताल से फरार अभियुक्त राजा सिंह को पुलिस ने हजारीबाग से गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ब्राह्मण टूटी ने बुधवार को गढ़वा थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह जानकारी दी। मामले में पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन की भूमिका पर संदेह प्रकट किया है। एसडीपीओ ने कहा कि बेलचंपा निवासी राजा सिंह को मारपीट के मामले में 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। जेल भेजने से पहले जाँच के दौरान उसका कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, इस कारण उसे सदर अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया गया था। 11 अगस्त को नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद शाम को वह अपने बोलेनो गाड़ी से फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिलते ही राजा सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई। छापेमारी के दौरान पता चला कि वह स्वयं गाड़ी चलाकर वह रांची पहुंचा है। पुलिस पीछा करते हुए रांची पहुंची, लेकिन वह वहाँ से हजारीबाग की ओर निकल गया। गढ़वा पुलिस ने हजारीबाग पुलिस से संपर्क स्थापित कर उसे हजारीबाग शहर से गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे गढ़वा जेल भेज दिया गया है। गढ़वा से सोनू दुबे की रिपोर्ट। दिनांक 31/7/2020 को राजा सिंह जो गढ़वा थाना अंतर्गत रहने वाले हैं, उन्हें एक मामले में न्यायालय के लिए प्रस्तावित किया जा रहा था, जिस संबंध में उनका मेडिकल जांच कराया गया, जिसमें उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें सदर अस्पताल गढ़वा में आइसोलेट किया गया। कल दिनांक 11/8/2020 को अस्पताल प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई कि वह उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका है, आप अगर तक कार्रवाई करें। जब तक गढ़वा थाना की पुलिस गई, तब तक वो अस्पताल प्रबंधन को चकमा देकर के वहाँ से निकल चुका था। इस संबंध में गढ़वा थाना निगरान में गठित किया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम गठित किया गया और उस टीम द्वारा हजारीबाग पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया।